दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन तेलंगाना ग्रामीणा बैंक। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं तीन अलग अलग ऑप्शन बताने वाला हूँ जहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले यहाँ पर जीमेल का ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ, तो जीमेल आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आपको भी वैसा ही प्रोसीजर इधर फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम का कॉलम लिखना है। नेम के कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है, जो नाम आपका बैंक में है वही लिखना है। और उसके बाद आपको स्पेस देना है और आपको नंबर लिखना है। नंबर में आप अपना पुराना नंबर लिखोगे जो अभी करंटली आपके बैंक में जो है आपका नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू नंबर का कॉलम लिखना है। अब न्यू नंबर के कॉलम में आपको वही नंबर लिखना है जो आप अपडेट करना चाहते हो, जो चेंज करना चाहते हो, वो न्यू नंबर के कॉलम में आपको लिखना है। फिर ये होने के बाद आपको एक बार स्पेस देना है फिर से और रिक्वेस्ट का कॉलम लिखना है। रिक्वेस्ट के कॉलम में दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसा मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आपको भी सेम टू सेम वैसा ही इधर पर कॉपी कर लेना है। आपको यहाँ पे लिखना है प्लीज़ चेंज माय मोबाइल नंबर इन तेलंगाना ग्रामीणा बैंक। अपने बैंक का नाम इधर लिख देना है, मेंशन करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का कॉलम दिख रहा होगा, तो सब्जेक्ट के कॉलम में आपको ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे लिखना है मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट, इतना ही आपको लिखना है मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट। ये सब होने के बाद सबसे लास्ट में जो ऊपर कॉलम दिख रहा है वो जीमेल आईडी का है, तो वहाँ पे आपको तेलंगाना ग्रामीणा बैंक की जीमेल आईडी डाल देना है, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी या फिर अगर उसका ऐप है तो ऐप से भी मिल जाएगी। वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है और अपना ईमेल अच्छे से चेक करके फिर आपको सेंड कर देना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रॉपर होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नंबर बार बार चेंज नहीं होता है। जैसे ही आप सेंड करोगे ईमेल तो आपको 10 से 15 मिनट में कन्फर्मेशन ईमेल आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 24 या 48 घंटे के अंदर आपका नंबर चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको बताना चाहता हूँ कि आप तेलंगाना ग्रामीणा बैंक डायरेक्टली जाके विज़िट कर सकते हैं अपने नज़दीकी ब्रांच में और वहाँ पर जाके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो और फॉर्म जब सबमिट करोगे तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने बैंक के एजेंट को घर पे बुला सकते हो या फिर कस्टमर केयर से बात करके भी अपना नंबर चेंज करवा सकते हो। तो दोस्तों ये थे टोटल तीन ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। आपको जहाँ से बेटर लगता है, जो ऑप्शन आपके लिए सही है, आप वहाँ से अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे कमेंट कर देना। ओके बाय।